थोड़ी पुरानी मूवी देखनी शुरू करती हैं वो, इसलिए क्योंकि ये जब मूवी मैंने देखी थी तब अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो सोचा यार कुछ ना कुछ अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा हैंकॉक मूवी के बारे में जो 2008 में आई थी, और ये मूवी 1.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया पीटर बर्ग ने, उस मूवी के अंदर मेन कास्ट में आपको नजर आएंगे विल स्मिथ। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी की कहानी सुपर हीरो मूवी के टाइप जैसी ही है, जिसमें जिन लोगों के पास पावर होती है जब वो अपने किसी पार्टनर से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी जिसके पास पावर है वो अपने पार्टनर यानी किसी फीमेल से मिलते हैं जिसके पास भी पावर है, जब ये दोनों मिलते हैं तब इनकी पावर जब चली जाती है, जब मिलने के बाद इनसे प्यार, इन दोनों में आपस में प्यार होता है तो पावर चली जाती है, और उनका मिलना ये फिक्स होता है, वो अट्रैक्ट होते ही होते हैं एक दूसरे की तरफ, और एक टाइम आता है कि वो मिलेंगे जरूर, ये बात जो है इस मूवी के अंदर फिक्स है। तो ऐसे ही कुंवारा लोंडा है जिसका नाम होता है हैंकॉक, जिसे प्ले किया विल स्मिथ ने, भाई साहब बिल्कुल नशेड़ी है ये, और अपनी मतलब जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया एकदम लापरवाह बेपरवाह, इसको कोई मतलब नहीं दिन दुनिया का। अभी फिलहाल इसकी लाइफ में वो पार्टनर आया नहीं, तो इसके पास वो पावर है, अपनी पावर का ये यूज लोगों को बचाने के लिए करता है, धक्के से करता है, लेकिन इसका फेस देखकर लगेगा नहीं कि ये बचाना चाह रहा है, बस ये है कि ठीक है यार कुछ वेले पड़े हैं तो कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं, लेकिन जब भी ये किसी को बचाने जाता है तो भाई साहब बिल्कुल तबाही मचा देता है, वहां पर जाने के बाद प्रॉपर्टी का नुकसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल की एक सीन आता है जिसके अंदर एक कार जो है वो पटरी के बीच में, बिल्कुल पटरी के बीच में खराब हो जाती है, अब वो हैंकॉक उस इंसान को बचाने के लिए बीचों बीच मतलब उस पटरी के बीचों बीच में खड़ा हो जाता है, और जब निकाल रहा होता है इतने में ट्रेन आ जाती है और ट्रेन पूरी बर्बाद कर देता है। अरे यार तुम्हारे पास पावर है, उस इंसान को लेके तुम उड़ सकते थे, तो उस इंसान के बचाने के चक्कर में पूरी ट्रेन बर्बाद कर दी, जिसके चलते ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये ना तो कानून मानता है, बिल्कुल नशे में रहता है, इसका व्यवहार एकदम बहुत खराब है जैसे इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और यही जो चीजें हैं इस मूवी को बाकी की मूवी से अलग करती हैं, और एक ट्विस्ट आता है जब ये अपने पार्टनर से मिलता है और इसकी पावर जो वहां पर जानी शुरू हो जाती है। खैर अभी उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के VFX काफी कमाल के हैं, इसके अंदर जो कहानी है वो भी मुझे अच्छी लगी है, डिफरेंट टाइप का जो हीरो इसके अंदर दिखाया गया है, उसकी सोच जैसे है कि भाई ये दूसरों को बचाकर उनके पर एहसान कर रहा है, इसकी शक्ल देखकर सच कहूं ना मैं, इसको देखोगे ना बिल्कुल नशे में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इसने चोरों को पकड़ना है, स्टार्टिंग का ही सीन इसके अंदर दिखाया जाता है, वो फनी है बहुत ज्यादा, बकायदा वो क्या बहुत सारे सीन इसके अंदर है जो काफी ज्यादा कमाल के हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हैंकॉक का बिहेवियर जो स्टार्टिंग में था वो आखिर तक वैसा रहेगा, हां इसके बिहेवियर में चेंज आता है, ये अच्छा बनता है, लेकिन इसको अगर कोई बेवड़ा कह दे तो इसका चेंज जो है जो भी अच्छा चेंज आया वो सारा गया भाड़ में, लेकिन इसको जिसने बेवड़ा कह दिया बस इसकी खैर नहीं। और इसके बाद एक जो सीन आता है इसके अंदर जब ये जेल में होता है हैंकॉक, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, ये एक सीन है, मन कर रहा है यार उसके बारे में बात करने के लिए, ये जेल के अंदर होता है, जेल में जब जो गुंडे इसने जेल के अंदर भेजे थे वो इससे फिर पंगा लेने आते हैं, और जो इसने वहां पर कमाल किया है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसका मीम भी बना था, बहुत बढ़िया वो सीन था। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 सर, अगर आप लोगों ने इसको देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं एक बार जरूर रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि आप जाकर देखें, हिंदी डब में आपको ये मूवी मिल जाएगी। और आपको हैंकॉक 2 के नाम से काफी सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन हैंकॉक 2 कोई भी मूवी आई नहीं है, लेकिन जो इस मूवी को पसंद करते थे जैसे मैं पसंद करता था, बहुत सारे जो लोग पसंद करते थे वो चाहते थे कि हैंकॉक 2 आए, लेकिन उसके ऊपर ऑफिशियली काम किया ही नहीं गया, जैसे आई एम लेजेंड 2 का जैसे वेट था ऐसे हैंकॉक 2 का वेट था, लेकिन ये मूवी अभी बनी नहीं है, तो इस वहम में मत रह जाना कि हैंकॉक 2 भी आई हुई है, हैंकॉक 2 नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।